आवश्यक है। यदि वे झगड़ते रहेंगे, यदि उनके आपस में सौहार्द नहीं होगा, यदि उनके आपस में वैमनस्य होगा, तो देश के अंदर शांति नहीं रहेगी। आप लोगों को मालूम होगा कि ये देश इस बात के लिए प्रसिद्ध है, अभी से नहीं सदियों से, कि भारत के अंदर अनेकता में एकता है। अनेकता में एकता का अर्थ है कि विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, लेकिन साथ ही उनमें राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति एकता है, एक भाव है, सामंजस्य है। जन्मदिवस पर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजीव गांधी भारत के ऐसे प्रधानमंत्रियों में गिनती होती है जिनको विजनरी प्रधानमंत्री कहते हैं, जिनका विजन आगामी 30 साल 40 साल सोच के वो काम करते थे और विभाग वक्ता थे। आपको याद हो तो सबसे पहले भारत में कंप्यूटरीकरण की जो शुरुआत हुई, और राजीव गांधी जी का सपना था, तत्कालीन समय में उसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन आज हम उसकी उपयोगिता से भी जानते हैं, इतना वो विजन लेके चलते थे। उनकी जो जयंती है उसको हम लोग सद्भावना के रूप में मनाते हैं, सद्भावना दिवस के रूप में। दूसरा जो विषय है शांति और विकास, मेरा आपसे अनुरोध है कि मनुष्य अगर अपन जनसंख्या देखें, विश्व में लगभग 6.25 अरब जनसंख्या है, और अगर अपन अपना फिंगर देखें तो 1 अरब में 1 फिंगर मिलने की संभावना रहती है। जब 1 अरब व्यक्तियों में किसी के वापस विचार मिलने की हल्की सी संभावना होती है, तो संभव है इतने बड़े संसार में व्यक्तियों के विचारों में भी भिन्नता होगी। जब विचारों में भिन्नता होगी, साथ रहते हुए अगर आपके विचार नहीं मिलते हैं, तो आपस में अशांति होने की भी संभावनाएं पैदा होती है। सभी जीवों में मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव माना जाता है, क्योंकि वो विचार कर सकता है। वो 1000 साल से ज्यादा पुराने नहीं है। अगर आप मुस्लिम धर्म देखें, चाहे क्रिश्चियन धर्म देखें, चाहे जैन धर्म देखें, चाहे बौद्ध धर्म देखें, दूसरे संप्रदाय कोई भी देखेंगे, तो 1000 साल से पूर्व उनकी उत्पत्ति नहीं हुई। सदियों से हम लोग साथ रहते आए हैं। तो अलग अलग धर्मों में जैसे अब अलग किसी का विचार हो गया, तो उसने अपने एक अलग विचारधारा प्रस्तुत कर दी, कालांतर में उसके अनुयायी बढ़ गए, तो उसको एक नया धर्म का रूप दे दिया। महात्मा गांधी जी के अगर अपने दौर में बात करें, तो गांधी इतिहास में वो शख्सियत है कि आने वाले वर्षों में इतिहास को 2 भागों में बांटा जाएगा, जैसे अभी आधुनिक काल, मध्य काल और पाषाण काल माना जाता है। तो आने वाले समय में इतिहास ये माना जाएगा, गांधी से पूर्व का इतिहास और गांधी के बाद का इतिहास। महात्मा गांधी जी का जन्म जब गुजरात में हुआ, तो संपन्न परिवार में पैदा हुए, विदेशों में इन्होंने पढ़ाई करी, बैरिस्टर बने, और बैरिस्टर बनने के बाद उनको विदेशों में ये एहसास हुआ कि मानव में इतना भेद हो रहा है कि मेरी बैरिस्ट्री तो काम की नहीं है। वो चाहते तो वहीं वकालत करके अपना जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक आंदोलन करने के बाद ये निर्णय लिया कि मेरा देश भी इन्हीं चीजों से पीड़ित है। तो वो वापस जब भारत आए, उन्होंने यहां बहुत सारे आंदोलनों का नेतृत्व किया,